हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वायरिंग के बारे में, ठीक है। तो जिसमें से कि हम लोग देखे थे कि अलग अलग प्रकार के वायरिंग होते हैं, और जिसमें से कि एक टाइप जो है हम लोग पढ़ भी चुके हैं, होप्सो और बैटन वायरिंग पढ़े हम लोग, है ना। ठीक है, बैटन वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ेंगे, जिसमें से क्लिट वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग है, CTS है, ये सब वायरिंग जो है इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिट वायरिंग के बारे में, ठीक है। देखो, तो क्लीट वायरिंग जो होता है जनरली आप कह सकते हो टेम्पररली पर्पस के लिए यूज होता है, कि मतलब फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। आपको कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय के लिए आपने उसे लगा दिया, और फिर कुछ समय आने के बाद ये जो वायरिंग है क्लीट वायरिंग, उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो उस प्रकार के वायरिंग को हम लोग जनरली कह सकते हैं कि वह क्लीट वायरिंग होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम है, आप इसको बना भी लीजिएगा, होप सो। इसमें से देखो दो टाइप का मेटल कह सकते हो, ये हमारा जो होता है पोर्सलेन का बना होता है, और ये जो होता है आपका, ये जो इसको है, इस वाले पोर्शन को, बस मैं ऐसे करके मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं गुट्टी, ठीक है। गुट्टी बोलते हैं, GUTTIES, ठीक है। ये जो है गुट्टीज, ये 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गुट्टी को जो है दीवार पे फिक्स कर दिया जाता है, समझे। गुट्टी को क्या किया जाता है, दीवार पे फिक्स कर दिया जाता है, उसके ऊपर ये बेस वाला पोर्शन जो है इसको रख दिया जाता है, जिसको कि क्लिट बोलते हैं। ये दोनों कंबाइंड को हम लोग क्लिट बोलते हैं, इसको और इसको दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा वॉल पे, तो इसे हम कहते हैं क्या, क्लिट बोलते हैं, ठीक। इसलिए इस टाइप ऑफ वायरिंग के मतलब नाम जो है, इसका नामांकन जो है हम लोग ने क्या किया है, क्लिट वायरिंग किया, मतलब जिन्होंने भी किया, हम लोगों ने नहीं किया। तो चूंकि इसमें क्लीट यूज होता है इसलिए इसे क्लीट वायरिंग कहा जाता है। तो ये जो है क्लीट वायरिंग आपका, इसमें से ये बेस रहता है, अब इसमें ये जो है ना ग्रूविंग किया हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, ग्रूविंग किया हुआ, इसके ऊपर में भी देखो इस प्रकार से कुछ ग्रूविंग किया हुआ रहेगा। अब इसमें क्या किया जाता है, ये गुट्टी दीवार पर रहता है, उसके ऊपर ये बेस मटेरियल रखा होता है, पोर्सलिन का बना होता है, इसको रखा जाता है, और इस ग्रूव में क्या किया जाता है, वायर को रखा जाता है, एक स्लॉट टाइप से बना दिया जाता है, और उस स्लॉट में क्या किया जाता है, वायर को प्लेस किया जाता है, वायर को बिछाया जाता है। अब देखिए ये इसका मतलब कहने का हुआ, देखो यहाँ पे एक स्लॉट ये हो गया, ये हो गया एक स्लॉट, दूसरा तीसरा, कुछ इस तरह से स्लॉट बना हुआ है, ठीक। ये जो है कुछ अलग अलग स्लॉट, सेम चीज़ नीचे भी बना हुआ रहेगा, कुछ इसी प्रकार का स्लॉट यहाँ पे भी बना हुआ रहेगा। अब एक स्लॉट में एक वायर को प्लेस करना है, समझ में आई। जैसे प्रीवियस टाइप ऑफ वायरिंग में हम लोग देखे थे कि एक जो ग्रूव था, ठीक है, कैजिंग कैपिंग देखे थे हम लोग, ठीक है, कैजिंग कैपिंग में पढ़े थे, ठीक है। बैटन वायरिंग अभी नहीं पढ़े थे, उसके बारे में पढ़ना है। तो कैजिंग कैपिंग जो है, कैजिंग कैपिंग में हम लोग देखे थे कि ग्रूविंग किया हुआ था, उस ग्रूव में एक फेज रखते थे, एक न्यूट्रल रखते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ग्रूविंग होगा, तो इंडिविजुअल ग्रूव में इंडिविजुअल एक ही वायर को प्लेस करेंगे, फिर दूसरा इंडिविजुअल रहेगा ग्रूव, उसमें दूसरा वायर प्लेस करेंगे, फिर तीसरा, तो कुछ इस तरह से। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एक ग्रूव है तो उस एक ग्रूव में एक वायर को प्लेस किया जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे रख दिया, फिर इसमें, अब देखो यहाँ पे भी जो है ग्रूविंग है, इसको जैसे ही आप मान लो कि एक वायर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिछाओगे, तो ये वाला ग्रूव आके इसमें क्या करेगा, कवर कर देगा। अब इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक। जैसे मान लो कि ये वायर है, इसके ऊपर से कुछ इस तरह का बना हुआ है, ऐसे प्लस किया, और नीचे से भी कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, तो दोनों कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझे बात को। तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से रहेगा, वायर यहाँ पे ग्रूविंग में रहेगा और सेम वायर आके क्या करेगा, प्लेस कर जाएगा, ठीक। तो ऐसा जैसे देखे हो, एक प्लास्टिक रहता है, चुटपुटिया प्लास्टिक जिसको हम लोग बोलते थे, जिसमें से किया, कभी सोनार वगैरह के दुकान में गए होगे, तो वहाँ से जब अगर कभी कुछ खरीदे होगे, अंगूठी हो गया या कुछ भी खरीदोगे, तो एक प्लास्टिक में देता है, उस प्लास्टिक में आप ऐसे ऐसे जोर से ऊपर से प्रेस करोगे ना, तो सारा का सारा प्रेस हो जाता है। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पर ग्रूविंग किया हो रहता है, उसमें वायर रखा रहता है और ऊपर से दबा दिया जाता है। या फिर आप नमकीन खरीदे होगे, जिसको मिक्सर वगैरह खरीदे होगे ना, हल्दीराम वगैरह का, तो वो भी एक प्लास्टिक में देता है, उसको आप प्रेस करोगे कस के, तो वो पूरा टाइट हो जाता है। यहाँ पे भी वही सीन है, ऐसा कि वायर बिछाया, वायर के ऊपर हम लोग क्या किए, उसको प्रेस कर दिए। अब प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू के सहारे इसको टाइट कर देंगे, ठीक। अब देखो इस, ये एक क्लिट हो गया, ये क्या हो गया, एक क्लिट। अब यही एक क्लिट आपको कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, जब इसको आप कवर करोगे, दीवार पर रखोगे, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, समझे। तो ये स्क्रू है, बीच में भी आपका ये स्क्रू होगा, ठीक, यहां पे भी आपका स्क्रू होगा, कुछ इस तरह से स्क्रू रहेगा। आप इसको ऐसे कर लो, होप सो आपको समझने में और भी आसानी होगी। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, ये अब यहाँ पे एक स्क्रू लगा दो, आप यहाँ पे कुछ स्क्रू लगा दो, अब वायर आपका हर एक ग्रूव में क्या है, बिछा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो क्लीट रहेगा अबाउट अबाउट दो क्लीट के बीच में 30 to 60 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब 30 की जगह पे 40 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, तो 30 से 60 के बीच में गैप जो है, मतलब एक क्लीट ये और ये दूसरा, दोनों के बीच में, या दोनों कह सकते हो 30 से 60 सेंटीमीटर के अपार्ट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो ये जो है हमारा क्या है, क्लीट वायरिंग है। आइए इसको एक बार और समझते हैं। देखिए हेडिंग कर लीजिएगा पहले आप, क्लीट वायरिंग। इसमें देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग वायर्स आर सपोर्टेड एंड ग्रिप्ड बिटवीन पोर्सिलेन क्लीट 10 mm अबव द वॉल ऑफ सीलिंग। देखिए ये कहा जाता है वॉल से 10 mm, ये वाला जो है, ये जिसको कि हम लोग गुट्टी बोल रहे थे, ये वाला, ये 10 mm का रहेगा। कितना रहेगा, 10 mm का रहता है जनरली, ज़्यादा दीवार नहीं होगा, ज़्यादा मतलब कह सकते हो दीवार और क्लीट के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहा, तो 10 mm का रहता है, ठीक। और ये जो क्लीट है, दीवार और इस क्लीट के बीच का गैप कितना रहेगा, 10 mm, और वह 10 mm कौन कवर करेगा, ये गुट्टी करेगा, इसको PVC प्लग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, दीवार पे प्लस किया हुआ रहेगा, समझे। आगे देखिए, द पोर्सिलेन क्लीट्स आर मेड इन टू पार्ट्स। ये जो पोर्सिलेन क्लीट होता है, ये जो पोर्सिलेन क्लीट है, ये कितने पार्ट में बना रहेगा, दो पार्ट में बना रहेगा, एक पहला ये और दूसरा ये, समझिए। द मेन पार्ट्स इज अ बेस विच इज ग्रूव्ड टू एकोमोडेट द केबल एंड द कैप इज पुट ओवर इट। क्या बोला, मेन पार्ट आपका क्या है, बेस, मतलब ये वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और यह अभी बना होगा किस चीज़ का, पोर्सिलेन का बना हुआ रहेगा, समझे बात को, ये भी किसका बना रहेगा, पोर्सिलेन का बना हुआ रहेगा। उसके बाद जब वायर को आप बिछा देंगे, मतलब इस ग्रूव में जब वायर को आप बिछा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है जिसको कि हम कैप बोलते हैं, इस कैप से आप क्या करोगे, वायर को कवर कर दोगे, समझे। तो वही चीज़ हो गया, वायर को एकोमोडेट किया जाता है, इसमें भी हमारा ग्रूविंग किया हुआ रहता है, एकोमोडेट द केबल एंड द कैप इज पुट ओवर इट। यहाँ पे केबल है, यहाँ पे केबल के साथ साथ आप वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वायर कर लीजिए आप, ठीक, वायर एंड द कैप इज पुट ओवर इट। अगला देखते हैं, द लोअर क्लीट एंड अपर क्लीट कवर आफ्टर प्लेसिंग द केबल, यहाँ पे फिर वायर कर लीजिए, वायर बिटवीन देम आर देन स्क्रूड ऑन द वुडन प्लग्स या फिर गुट्टी। देखिए कहा जा रहा है कि ये जो आपका है बेस आपका और ये कैप है, जब इसमें वायर बिछा दिया जाता है और फिर कैप को कवर कर दिया जाता है, तो इसको एक स्क्रू से क्या किया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, ठीक है, या उसको हम PVC स्क्रूज भी बोल सकते हैं, या PVC प्लग भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, प्लग्स, उससे हम क्या करते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, स्क्रू से टाइट करते हैं इस जगह से, जैसे इस प्रकार से जो है बीच में टाइट किया हुआ है, ठीक, ताकि जो वायर है उसको भी सपोर्ट मिले और यह दीवार पर फिक्स रहे, समझे। This gutties previously fixed into walls, पहले क्या किया जाता है, गुट्टी को फिक्स कर दिया जाता है, ये जो गुट्टी है इसको पहले ही दीवार में फिक्स कर दिया जाता है, समझे, पहले ही क्या किया जाता है, दीवार में फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद बेस को, उसके बाद फिर कैप को कवर कर दिया जाता है, और सीलिंग एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 to 60 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये जो है आपका 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, मतलब दो क्लीट जो होगा, उस दो क्लीट के बीच का डिस्टेंस कह सकते हो या गैप कह सकते हो, वो कितना रहेगा, 30 से 60 सेंटीमीटर, समझे, 30 से 60 सेंटीमीटर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। टू वायर्स शैल नॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रूव ऑफ द पोर्सिलेन क्लीट इन एनी केस, मतलब कहा जा रहा है कि दो वायर जो है कभी भी एक ग्रूव में नहीं रखा जाएगा, एक ग्रूव में एक ही वायर रखा जाएगा, वह कोई सा हो सकता है, फेज हो चाहे न्यूट्रल हो, जैसा भी वायर रहेगा, समझे बात को, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रूव में हम फेज को भी प्लेस कर दिए हैं और न्यूट्रल को भी प्लेस कर दिए हैं, समझे बात को। तो ये क्या था आपका, क्लीट वायरिंग, क्लियर है, ये क्या था, क्लीट वायरिंग, इसको आप बना लीजिएगा क्लीट वायरिंग का, समझे, और ये दीवार पे फिक्स रहता है, जनरली टेम्पररी के लिए किया जाता है, जनरली आप देखेंगे कहीं जैसे BSF वगैरह कैंप जो लगाता है, उस कैंप में वायरिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, वहाँ पे भी लाइटिंग का ज़रूरत होता है, तो वहाँ सब हम लोग ये क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या शादी विवाह में जो बनाया जाता है, जो घर बनाते हैं ना छोटा सा कह सकते हो, ठीक है, समियाना जिसको आप बोलते हो,
उसको बनाया जाता है, तो उसमें भी इस प्रकार का वायरिंग यूज किया जाता है, टेम्पोरली किया जाता है, जहाँ पे कि कह सकते हो कि फिक्स नहीं है। वॉल पे भी अगर घर में भी है, जैसे नया नया घर बना है, तो वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि कुछ दिनों के लिए हमने किया है। लेटेस्ट में देखो क्या हो गया है कि ये क्लिट ना इस्तेमाल करके कि क्लिप आ गया है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्लिप आ गया है, ठीक, ये क्लिप आ गया है। और इस क्लिप के सहारे क्या करता है, दीवार पे वायर को बस बिछा देता है और क्लिप के सहारे सपोर्ट दे देता है उस वायर को, तो इसके जगह पे ये रिप्लेस होने लगा है धीरे धीरे। उसमें भी वायर विजिबल होता है, बाहर से आप विजिबल है, बाहर से आप देख सकते हो वायर को। तो बहुत सारा इसका एडवांटेज भी है, लेकिन बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। जैसे डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम लोग, तो इसे डैम्प वॉल पे हम नहीं रख सकते हैं, जहाँ पे दीवार हमेशा भीगा रहता है उस डैम्प वॉल पे इसे प्लेस नहीं किया जा सकता है। दिखने में तो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होगा, मतलब सुंदर नहीं लगेगा देखने में। एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ही सस्ता होता है, टेम्प्ररी होता है, जब चाहिए आप इसको कर लीजिए, जब चाहिए आप इसको रिमूव कर लीजिए। फॉल्ट डिटेक्शन कह सकते हैं, फॉल्ट डिटेक्शन आसान होगा, क्योंकि ये सारा वायर जो होगा वो बाहर से हम विजिबल रहेगा, बाहर से हम वायर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझे। तो ये सारे एडवांटेज हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, और है ना, दोनों को देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको भी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों नोट कर लीजिए कि एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे, फिर इस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके क्या एडवांटेज होंगे और इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, समझे बात को। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, है ना। बढ़ता हूँ मैं, देखिए पहले तो आप एडवांटेज लिख लीजिए। देखिए एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि यह बहुत ही सस्ता होगा, ठीक है। बाहर सारा वायर क्या है, विजिबल है। आप कह सकते हैं फॉल्ट डिटेक्शन, अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हुआ तो बहुत आसान है, आप डिटेक्ट कर सकते हो उसको। रीवायरिंग अगर करना होगा कि नहीं, मतलब दोबारा इसको वायर करना होगा, तो आप कह सकते हो कि रीवायरिंग भी इसका क्या होगा, बहुत आसान होगा, समझे। तो इस तरह से बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला है, इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग इज ईजी। इसको इंस्टॉल करना, मतलब इस प्रकार के वायरिंग को कहीं पे करना आप कह सकते हैं, वो बहुत ही आसान है। अगर करना आसान है तो उसको डिसमेंटल करना भी बहुत आसान है, क्योंकि देखो करना तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ दीवार पे क्या करना है, क्लीट को फिक्स करना और उस क्लीट में वायर को फंसा देना, समझे, और फिर दीवार पे पुट करते चले जाएंगे, हर जगह पहुंच जाएगा हमारा। तो जब बाहर कुछ उसमें करना ही नहीं है, बस क्लीट को फिक्स करते चले जाएंगे और फिर वायरिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वायर को उसमें बिछा देंगे। तो अब रिमूव भी अगर करना है, डिसमेंटल का मतलब होता है उसको रिमूव करना, हटाना। तो जब डिसमेंटल की बात करोगे या उसको हटाओगे तो वह भी आसान है, वायर है, बस क्लीट को हटाते चले जाओ, क्लीट जो है वो रिमूव कर दो, पूरा का पूरा वायरिंग आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंस्टॉलेशन भी इसका क्या है, आसान है, और उतना ही आसान इसका डिसमेंटलिंग है, या उसको अनइंस्टॉल करना कह सकते हो, या फिर उसे रिमूव करना। नेक्स्ट कहते हैं इंस्पेक्शन वर्क इज ईजी। इंस्पेक्शन मतलब होता है चेक करना, इंस्पेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, चेक करना। तो सारा का सारा वायर हमारा क्या है, विजिबल है, बाहर से हम उसको देख सकते हैं। अगर मान लो बाहर से हम वायर को देख सकते हैं तो चेक करना मतलब हम सही है, हमारे लिए चेक करना आसान है। जैसे अब कंड्यूट पाइप जो होगा अंदर में रहता है सारा वायर, तो वो तो दिख ही नहीं पा रहा है, दिखता ही नहीं है, तो इंस्पेक्ट उसमें जो चेक करना कुछ भी और चेक करेंगे तो वो आसान नहीं होगा, ठीक है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे वायर सारा क्या होगा, विजिबल है, सामने से हम उसे देख सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन हम उसमें कर सकते हैं आसानी से, ठीक। इसलिए क्या बोला, इंस्पेक्शन वर्क इज ईजी, इंस्टॉलेशन इज चीप। कंपेयर कीजिएगा अदर वायरिंग से तो यह इंस्टॉलेशन क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन अनस्किल्ड वर्कर कैन डू दिस जॉब, एन अनस्किल्ड वर्कर कैन डू दिस जॉब। कोई भी आदमी हो, ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आदमी होगा, कोई भी वर्कर होगा या इलेक्ट्रिशियन होगा, इस टाइप के वायरिंग को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, समझे, इस टाइप वायरिंग को आराम से कर सकते हैं, क्लियर है। इसी में आप लिख लीजिए रीवायरिंग इज ईजी, ये भी आप कर सकते हैं कि दोबारा अगर वायरिंग करना होगा तो वह भी हमारे लिए क्या है, आसान है, तो इसलिए रीवायरिंग इज ईजी। नेक्स्ट पॉइंट में कर लीजिएगा फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजी। फॉल्ट डिटेक्शन जो होगा, है ना, फॉल्ट डिटेक्शन कर लीजिए ईजी। इसी में आगे और लिखना है तो कर लीजिए रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट इज ईजी, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट इज ईजी,
ठीक है, अगर कोई फॉल्ट आपको पता चला तो इजीली आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, मतलब सही कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ क्या हो गया, हमारा एडवांटेज हो गया, किसके लिए, क्लीट वायरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का, कि इसका क्या सारा डिसएडवांटेज हो सकता है। देखो बहुत सारे एडवांटेज थे तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। कोई भी बस कह लीजिए, कोई भी आदमी हो या कोई भी चीज़ हो, उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। हर एक बंदे के, हर एक आदमी का कह लीजिए या हर एक वस्तु का, कि कुछ ना कुछ अगर उसमें कोई एडवांटेज है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज होगा ही होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा डिसएडवांटेज, आप हेडिंग बना लीजिए डिसएडवांटेज, इसमें लिख लीजिए इट डज नॉट गिव गुड अपीयरेंस। बिल्कुल, अगर आप घर में भी करते हैं तो आपके वॉल पे रहेगा, टोटल आपका क्या रहेगा, वॉल पे रहेगा। और अगर यह आपके वॉल पे है, सब कुछ विजिबल होगा, जैसे तैसे होगा, सिर्फ क्लिट आप क्या किए हो, पुट कर दिए हो। जब आप कंपैरिजन करोगे कैजिंग कैपिंग से या फिर कंड्यूट वायरिंग से, तो उन दोनों के कंपैरिजन में आप कह सकते हो क्लिट वायरिंग जो है देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आपके जो घर की सजावट है या जो मतलब कह सकते हैं डेकोरेशन है आपका, वो अच्छा नहीं दिखेगा, समझे। इसलिए क्या, यह हमें गुड अपीयरेंस घर में नहीं देगा, या कहीं जहाँ भी करोगे वहाँ पे कोई अच्छा आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट लाइफ इज लेस, आप जानते हो टेम्पररी है, कब इसको आप हटा सकते हो या कब तक आप करोगे ये फिक्स तो है नहीं। तो जनरली जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, इसलिए इसका लाइफ क्या है, कम है, कि कुछ दिनों के लिए हम किया करते हैं टेम्पररी। जैसे ही मतलब हमारे पास कोई उस टेम्पररी का सोल्यूशन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे परमानेंट कर लेंगे, मतलब कोई अच्छा सा वायरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट इट इज़ अ टेम्पररी एज वायर आर एक्सपोज सो इट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल इंजरी। देखो कहने का क्या मतलब हुआ, बाहर से हमारा सारा वायर विजिबल है, ठीक, तो टेम्पररी वायर है, टेम्पररी वायरिंग है, ये तो पहले ही आप जानते हो। और इस टेम्पररी में भी क्या होता है, वायर आपका बाहर दिखता है, सारा का सारा वायर क्या होता है, विजिबल है, तो कभी भी हो सकता है उसमें मैकेनिकल इंजरी। मान लीजिए कि कोई काम ही कर रहे हैं और उस वायर में आपका किसी तरह का मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस वायर को कहीं से खींचा गया, ऐसा समझ लीजिए आप, मैकेनिकल इंजरी का वही मतलब। या कुछ आप काम कर रहे हो और उस वायर पे आपका वायर कहीं से कट गया, हो सकता है ऐसा। ये सारे काम तो कंड्यूट वायरिंग में नहीं होगा या कैजिंग कैपिंग में तो ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें मैकेनिकल इंजरी होने का ज़्यादा है। या मान लीजिए टेम्पररी किया हुआ है, हाथ वगैरह ऊपर किए, हाथ में लग गया, खींच लिया, नीचे खींचा गया, तो पूरा का पूरा वायर क्या हुआ, नीचे आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ किसके लिए हुआ, मैकेनिकल इंजरी के लिए हुआ, समझे। नेक्स्ट देखिए इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ डैम्प वॉल। देखो डैम्प वॉल का मतलब क्या होता है, भीगा हुआ वॉल, मतलब जहाँ पे कि हमेशा मॉइस्चर मौजूद रहेगा, ठीक, तो वैसे वॉल को हम क्या बोलते हैं, डैम्प वॉल। तो वैसे लोकेशन पे जो डैम्प वॉल होगा, वैसे लोकेशन पे हम इस प्रकार के वायरिंग को नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, समझे। इसी में अगर आपको लिखना है एप्लीकेशन में, तो आप हेडिंग बना के लिख लीजिए एप्लीकेशन, वहाँ पे लिख लीजिए इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी पर्पस, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी पर्पस, समझे, यूज्ड इन कैंप, ठीक है, कहीं कैंप वगैरह लगता है वहाँ पे, ठीक ना, और इन एनी डेकोरेशन पर्पस, ठीक है, लिखे यूज्ड इन कैंप और एनी डेकोरेशन पर्पस। क्लियर है आपको, समझ में आई बात। नोट कीजिए इसे भी, ठीक है, बैटन वायरिंग के बारे में। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए बैटन वायरिंग क्या होता है, इस चीज़ के बारे में समझिएगा। बहुत पहले के समय में, या जब पुराना जो स्टार्टिंग था, इनिशियली जो है बैटन वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब देखो बैटन वायरिंग में होता क्या है ये समझना। इसमें एक बैटन होता है, एक लकड़ी का पीस कह लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का बैटन रहता है, जो कि दीवार पर बिछा दिया जाता है, है ना, दीवार पर क्या किया जाता है, बिछा दिया जाता है, ठीक है। अब इस दीवार पर जब बिछाने के बाद क्या जाता है, इसके ऊपर वायर रखा जाता है। ये क्या होगा, वायर को इस प्रकार से, जितना नंबर ऑफ वायर होगा, 2, 4, 6, 8, जितना भी वायर जा रहा होगा, जैसे सिंगल लाइन डायग्राम में बनाए थे आप, तो इस वायरिंग के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जो नहीं समझे हैं सिंगल लाइन डायग्राम, वापस जाके प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया है सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो ये बैटन वायरिंग में सिंगल लाइन डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सिंगल यहाँ पे हम लोग वायर क्या करेंगे, बिछा देंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि बकल क्लिप्स या फिर क्लिप्स कह लीजिए, बकल क्लिप्स कह लीजिए, या फिर वुडन का रहता है, वो सब को हम क्या करेंगे, ऐसे करके कवर कर देंगे, समझे। तो इस प्रकार के वायरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं,
बैटन वायरिंग, क्लियर है। इस प्रकार के वायरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटन वायरिंग, क्लियर। ये भी पहले के टाइम में जब आपका देखेगा, अगर कोई पुराना कॉलेज वगैरह होगा या कोई पुराना स्कूल होगा जिसमें कि वायरिंग किया हुआ, या स्टेशन वगैरह पे जहाँ कि पुराना स्टेशन है, वहाँ पे आपको इस प्रकार का वायरिंग देखने को मिल जाएगा, ये बैटन वायरिंग कहलाता है, क्लियर। अब देखो इसमें क्या, ये जो क्लिप है, ठीक, अब ये बैटन का साइज़ अलग अलग होता है। अगर दो वायर जाएगा तो इस बैटन का साइज़ अलग होगा, अगर चार वायर जाएगा या तीन वायर जाएगा तो उस बैटन का साइज़ अलग हो जाएगा, छः वायर जाएगा तो बैटन का साइज़ अलग। बताऊंगा मैं आपको, एक टेबल में बता दूंगा कि कितने साइज़ का बैटन होता है और कितने वायर के लिए, कितने नंबर ऑफ़ वायर के लिए होता है, और यह जो क्लिप है आपका, वह क्लिप का लेंथ क्या रहेगा, समझे, मैं आगे बताऊँगा। इसमें एक चीज़ यह है, ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये वर्टिकली जा रहा है कुछ इस प्रकार से, अगर ये रहता है, ठीक है, ये जो अगर वर्टिकली रहता है तो इसको क्या है कि 15 सेंटीमीटर के गैप पे क्लिप हम लगाते हैं, समझे, कितना, 15 सेंटीमीटर गैप पे हम लोग क्लिप लगाते हैं। अगर यही चीज़ हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ये क्लिप जो आप लगाओगे ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट रहेगा, मतलब हर 10 सेंटीमीटर पे एक एक क्लिप लगाना है, या हर 15 सेंटीमीटर पे वर्टिकली में एक एक क्लिप लगाना है, समझे बात को। तो ये हो गया हमारा, अब बैटन वायरिंग, आइए एक बार और हम इसे देख लेते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ वायर और केबल्स आर यूज टू लेड ऑन स्ट्रेट टिकवुड बैटन। टिकवुड एक प्रकार का लकड़ी है, और जो बैटन होता है वो लकड़ी का बना होता है, तो ये जो आपका रहेगा वो टिकवुड बैटन का बना होता है, जिसपे कि ग्रुप ऑफ वायर कह सकते हैं या केबल, ठीक है। वायर मतलब बहुत सारा वायर, या दो तीन चार पाँच, जितना नंबर ऑफ वायर होगा उस वायर को क्या किया जाता है, इसके ऊपर बिछाया जाता है, समझे। The wires are held with the help of tinned brass link clips or buckle clips. ठीक, ये जो मैंने आपको राउंड किया है, यही हमारा क्या है, बकल क्लिप्स कह लीजिए, या टिन क्लिप्स कह लीजिए, या टिन ब्रास कह लीजिए, इन सब का बना होता है, ठीक है। तो ये क्लिप के सहारे क्या किया जाता है, वायर को होल्ड किया जाता है, या वायर को मतलब सपोर्ट दिया जाता है। आगे देखते हैं, बकल क्लिप्स आर फिक्स्ड विथ ब्रास पिन ऑन वुडन बैटन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर हॉरिजेंटल रन एंड 15 सेंटीमीटर फॉर वर्टिकल रन। देखो ये चीज़ मैंने आपको बताया, तो अगर यह वर्टिकल रहेगा तो ये क्लिप जो रहेगा कितने सेंटीमीटर के अपार्ट रहेगा, 15 सेंटीमीटर के अपार्ट में रहेगा, मतलब हर 15 सेंटीमीटर पे आपको एक क्लिप यूज़ करना है। लेकिन यही चीज़ अगर हॉरिजेंटली रखा हुआ है, क्योंकि भैया ये बताओ कि यहाँ पे अगर ऐसे हो सकता है, वायर ऐसे भी तो बिछा हुआ रहेगा, तो ये हॉरिजेंटली हो गया। अब अगर ये हॉरिजेंटली है तो आप क्या कह सकते हो कि यह जो क्लिप होगा यह 10 सेंटीमीटर अपार्ट होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एप्लीकेशन के तौर पे हो जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन इन रेसिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। ये जो होता है जहाँ पे लो वोल्टेज, जैसे केजिंग कैपिंग हम लोग कर रहे थे 230 वोल्ट के लिए जनरली, या लो वोल्ट वही हो जाएगा, तो जहाँ केजिंग कैपिंग जहाँ पे अप्लाई कर रहे थे ऑफिस में या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, पहले के टाइम में ये वायरिंग किया जाता था आपका, ठीक है, बैटन वायरिंग जो है किया जाता था, समझे। इट इज़ नॉट सुटेबल वेयर वायरिंग इज एक्सपोज टू सन और रेन। ये वैसे जगह पे नहीं किया जाता है जहाँ पे कि बारिश से वायर हमारा भीग जाए, या फिर ज़्यादा सनलाइट इसके ऊपर पड़ रहा है। ये जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, घर के अंदर रहेगा, घर के बाहर नहीं किया जाएगा, समझे। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, किसका, बैटन वायरिंग का। इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग, के एडवांटेज क्या क्या है। देखो, इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना भी आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं, बस बैटन है, बैटन को आप दीवार पे रखो और उसके ऊपर वायर को बिछा दो, जितना नंबर ऑफ़ वायर रिक्वायर्ड होगा उस नंबर ऑफ़ वायर को आप बिछा दीजिए, और फिर क्लिप के सहारे उसको टाइट कर दीजिए। क्लिप भी आपको बता दिए, फिर वर्टिकली 15 सेंटीमीटर पे एक एक लगा देना है, हर 15 सेंटीमीटर पे एक क्लिप, और इधर हॉरिजॉन्टली हर 10 सेंटीमीटर पे एक एक क्लिप लगा देना है। नेक्स्ट, लेस लेबर चार्जेस। जब इसमें है ज़्यादा आपको काम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है कह सकते हैं, तो चार्जेज जो है लेबर का जो होगा वो अभी क्या होगा, कम होगा। जैसे क्लिप, आप क्लिट वायरिंग में भी लेस लेबर चार्ज आप एक एडवांटेज लिख सकते हैं, उसमें भी लेबर चार्ज ज़्यादा नहीं लगेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वायर इज ईजी। अगर किसी प्रकार का कोई डिफेक्टिव वायर कह लीजिए, कि कोई भी वायर है जो कि मतलब शॉर्ट सर्किट हो चुका है उसमें, वह ख़राब हो चुका है कह सकते हो, वर्क नहीं कर रहा है, सर्किट में यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो जो भी डिफेक्टिव होगा वायर, वह डिफेक्टिव वायर का रिप्लेसमेंट आप आसानी से कर सकते हो। इनफैक्ट आप इस प्रकार से कह सकते हो कि इसका भी रीवायरिंग जो होगा वह आसान होगा, आराम से बाहर विजिबल रहेगा, सारा वायर दिखेगा आपको। अगर किसी में कोई वायर जला हुआ है, या किसी में किसी प्रकार का कोई भी डैमेजेज आपको वायर में दिख रहा है सामने से, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फॉल्ट लोकेशन एंड रेक्टिफाइंग इज ईजी।
इजिली फॉल्ट लोकेशन की बात भी अगर हम करें कि हमें कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यह भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि अच्छा किस प्लेस पे फॉल्ट हुआ हो, क्योंकि सारा वायर हमारा विजिबल है ना, वायर विजिबल है। तो अब मान लो कि फॉल्ट लोकेशन, ये जो आप फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बहुत आसानी से, तो रेक्टिफाई भी कर लोगे, बिकॉज रेक्टिफाई करना आसान होगा। मान लो फेज में या न्यूट्रल में कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, आप देखोगे किस वायर में फॉल्ट है, वो अगर पता चल जाएगा तो आप उसे सही नहीं कर लोगे। तो लोकेशन जो फॉल्ट लोकेशन होगा वह भी आसान होता है, और फॉल्ट रेक्टिफाइंग भी हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक और चीज़ देख सकते हैं, इट गिव्स गुड अपियरेंस इफ इफ इज डन इन गुड वे, इफ इज डन, यहाँ पे लिख लिए, इफ इज डन इन गुड वे, ठीक है, इफ इज डन इन गुड वे, यह अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो उतना बुरा भी नहीं दिखेगा। ठीक, कैजिंग कैपिंग जैसा दिखता है वैसा ही आपको यह भी दिखेगा, बहुत अच्छा तो नहीं, अगर कंपैरिजन करोगे कंड्यूट वायरिंग से तो उसके जैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ढंग से किया जाए, कुछ अच्छे तरीके से कर दिया जाए तो यह बुरा भी नहीं दिखेगा, मतलब ठीक ठाक कह सकते हो, एक तरह से ठीक ठाक आपको दिखेगा, समझे। तो ये हमारा क्या था, अब बैटन वायरिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, और मैं आपको ये बता दूंगा कि जो बैटन होता है उसका साइज़ क्या होगा, और उस पे कितने नंबर ऑफ वायर रहेंगे, मतलब दो वायर रहेंगे, चार वायर रहेंगे, तो उसके लिए बैटन का साइज़ क्या होगा, ये जो लकड़ी का बना हुआ है बैटन, उस लकड़ी के बैटन का साइज़ क्या होगा, उसके ऊपर जो क्लिप रहेगा उस क्लिप का लेंथ क्या होगा, ये चीज़ देखना है आपको, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, है ना, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इस टेबल को भी आप, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप, डिसएडवांटेज भी लिख लीजिएगा और एप्लीकेशन भी। एप्लीकेशन देखिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन जो है आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे कौन सा वायरिंग यूज़ किया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, केयरफुली आप याद रखिएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी यूज वेयर वायरिंग इज एक्सपोज टू सन और रेन। ये वायरिंग जो होगा जहाँ पे कि मान लो बाहर में कर देते, जहाँ बारिश वगैरह होती है या फिर सनलाइट डायरेक्टली वहाँ पे पड़ रहा है काफ़ी टाइम तक, तो वायर जो है चूँकि बाहर रहता है, वायर विजिबल रहता है, तो वायर ख़राब होने का चांसेस रहेगा आपका, डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये क्या होगा, वैसे प्लेस पे इसको नहीं कर सकते हैं आप, इस प्रकार के वायरिंग को वैसे प्लेस पे नहीं किया जा सकता है जहाँ पर कि जो वायरिंग हो डायरेक्टली एक्सपोज रहेगा सन से या फिर रेन से, मतलब धूप से या फिर बारिश से। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट सुटेबल ऑन डैम्प वॉल, यह जो है आपका डैम्प वॉल पे सुटेबल नहीं है, मतलब भीगे हुए वॉल पे इसको नहीं कर सकते। और भी आप इसमें लिख सकते हो, लिख लीजिएगा एक दो पॉइंट, जैसे कि इसमें भी फॉल्ट डिटेक्शन, हाँ डिसएडवांटेज है ना, इट डज़ नॉट गिव गुड अपियरेंस भी कह सकते हो, अगर ढंग से करोगे, अच्छे तरीके से करोगे प्रॉपरली, तब तो आपका ये देगा कि थोड़ा बहुत ठीक दिखेगा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप उसको भी ऐड कर सकते हो कि इफ़ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली देन इट डज़ नॉट गिव गुड अपियरेंस, समझे बात को। तो इस तरह से और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऐड कर लीजिएगा एक दो अगर आपका इच्छा हो तो, ठीक है। आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, देखिए एप्लीकेशन में क्या है, यूज्ड इन डोमेस्टिक कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग एक्सेप्ट वर्कशॉप, ये जो है सिर्फ डोमेस्टिक के लिए किया जा सकता है, मतलब घर के लिए कह सकते हैं, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्टेशन हो गया, इन सब पे किया जा सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग कहीं फैक्ट्री वगैरह में भी इसका किया जाता है, अब नहीं किया जाता है, ठीक है, अब नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट वर्कशॉप, वर्कशॉप जो रहेगा जहाँ पे कि टेस्टिंग वगैरह होता है, या कॉलेज में जो लेबोरेटरी है वहाँ पे इस प्रकार के वायरिंग को नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि ये जो बैटन वायरिंग है, इस वायरिंग का इस्तेमाल आपके वर्कशॉप में यू नहीं किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं कि एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान रखिएगा, और इस टेबल में खास करके आप याद रखिएगा कि कितने नंबर ऑफ वायर के लिए हम लोग कितना साइज बैटन का यूज़ कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को, कि ये हमारा मान लेते हैं कि लकड़ी है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, बैटन है। अब देखो बैटन पे अगर दो वायर बिछाना होगा, मान लो दो वायर बिछाना होगा तो बैटन का साइज़ कुछ होगा, अब बैटन के ऊपर आठ वायर बिछाना होगा, तो जिस बैटन पे दो वायर बिछ रहा था क्या उसी पे आठ वायर आप एडजस्ट कर पाओगे, नहीं। तो आठ वायर के लिए बैटन का साइज जो होगा क्या होगा, साइज इन द सेंस हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं, मतलब चौड़ाई,
ठीक है, चौड़ाई उसका क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये बटन है, इस पर आप दो वायर बिछा सकते हो और इसका ब्रेथ जो है 10 mm है, मान लेते हैं ऐसा 10 mm जो है ये दो वायर के लिए है। अब इसी के ऊपर हमको 8 वायर बिछाना है, तो संभव है क्या इस 10 mm पे हम 8 वायर बिछाएं? तो इसका क्या होगा, ब्रेथ आपको बढ़ा देना पड़ेगा और इसका ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 mm कर देना पड़ेगा। ठीक है, तब तो दो चार 8 वायर है, तब तो आप दो वायर यहाँ पे बिछा दोगे, दो फिर ऐसे बिछाओगे, दो फिर ऐसे। तो जो साइज़ कह सकते हो या जो चौड़ाई है बटन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वायर पे। अब बटन का जो होगा वह थिकनेस भी एक होगा, ठीक है। लंबाई तो आपको कैलकुलेट करना है, जब आप वायरिंग करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेथ जो रहेगा, और मतलब चौड़ाई, विड्थ जिसको बोलते हो, और फिर थिकनेस, ये आपका याद रखना है आपको, और इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। अब मान लो कि ये वायर है, अब इस दो वायर पे क्लिप हम लगाएंगे, तो दो वायर के लिए क्लिप का साइज कुछ होगा। अब ये जो दो वायर के लिए हम क्लिप लगाए, क्या इतने में ही 8 वायर को आ सकता है क्या? नहीं, तो 8 4 वायर के लिए अलग क्लिप होगा, 8 वायर के लिए अलग क्लिप होगा, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दो वायर के लिए लगाए, फिर दो वायर के लिए लगाएंगे, फिर दो वायर के लिए, फिर ऐसा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हम अलग अलग बटन वायरिंग में परफॉर्म करते हैं, तो उसी चीज़ को आप समझिएगा। देखिए टेबल में आपका क्या है, बना लीजिएगा टेबल में, साइज ऑफ बैटन, बैटन का साइज, विड्थ और थिकनेस, चौड़ाई और मोटाई, सिर्फ चौड़ाई और मोटाई, लंबाई हमें कैलकुलेट करना है जब हम इस्टीमेटिंग करेंगे वायरिंग का तब, ठीक है। तो साइज ऑफ बैटन, विड्थ और थिकनेस, समझे? तो उसका विड्थ और थिकनेस क्या होगा, इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं नंबर एंड साइज ऑफ लिंक क्लिप्स, जो आप क्लिप से टाइट करोगे वायर को, वह कितने नंबर का होगा, मतलब कितना कह सकते हो आप, कितना क्लिप आप इस्तेमाल करोगे, है ना, और उस क्लिप का साइज क्या होगा, मतलब 1 × 38 mm जैसे यहाँ लिखा बता रहे हैं, आपको ये भी समझाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक क्लिप यूज़ किया होगा और उस क्लिप का लंबाई जो होगा 38 mm का रहेगा, समझे बात को? जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, दो के लिए आप एक क्लिप लगाए थे, दो वायर के लिए क्लिप लगाए, तो ये कुछ हुआ ऐसा टाइट किए, तो ये क्लिप का लेंथ तो होगा ना कुछ, ये क्लिप का क्या होगा, लेंथ। अब दो वायर के लिए हम क्लिप कितना किए यूज, एक यूज किए, समझे? आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वायर ऑफ साइज 1/1/1.4 mm एल्युमिनियम कंडक्टर दैट कैन बी लेड। यहां हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर में अगर उस कंडक्टर का साइज 1/1/4.0 है, जो घर में यूज होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो कितने वायर के लिए, अगर दो वायर रहेगा तो क्लिप का साइज़ क्या होगा और बैटन का साइज़ क्या होगा, तीन वायर रहेगा तब क्लिप का साइज़ क्या होगा और बैटन का साइज़ क्या रहेगा, फोर वायर रहेगा तब क्लिप और बैटन का साइज़ क्या रहेगा, इन सब के बारे में देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पहला पे, ध्यान रखिएगा कि जो अगर मान लेते हैं कि आपको दो वायर बिछाना है, अगर दो वायर जा रहा है, जैसे इस पर आप मान लेते हैं कि ये बैटन है हमारे पास, ये आपका मान लेते हैं बैटन है, तो इस बटन पे अगर दो वायर को बिछाना है, तो हम दो वायर क्या किए, इस पे दो वायर बिछाएंगे, तो बटन का साइज़ क्या होगा, 13 mm × 13 mm। कहने का मतलब ये हो गया सर कि इसका विड्थ हमारा कितना हो जाएगा, 13 mm, जो चौड़ाई होगा वह 13 मीटर का होगा, 13 mm का होगा, और उसका थिकनेस भी क्या होगा, 13 mm का होगा, मोटाई भी क्या होगा, 13 mm का, चौड़ाई भी 13 mm का और मोटाई भी 13 mm का। कितने वायर के लिए भैया, दो वायर के लिए, समझ में आया कि नहीं? ये दो वायर के लिए इसका थिकनेस भी कितना रहेगा, 13 mm, और इसका विड्थ भी कितना रहेगा, 13 mm। क्लिप का साइज़ क्या हो जाएगा, 38 mm का क्लिप हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मतलब 38 mm लंबा क्लिप रहेगा, और कितना क्लिप यूज़ करेंगे, एक, समझे बात को, कितना क्लिप यूज़ करेंगे, एक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक क्लिप कुछ इस प्रकार से यूज़ कर लिया, ठीक, 38 mm का क्लिप यूज़ किए, लेंथ जो है 38 mm रहा, और एक क्लिप यूज़ करेंगे, लेकिन लेंथ के हिसाब से ये चेंज होगा, रीज़न बोलिए क्यों। आप याद कीजिए, आपको बताए थे कि अगर यह वर्टिकली रहेगा तो हम 15 cm के इंटरवल पर एक क्लिप लगाएंगे, मतलब एक क्लिप यहाँ पर लगेगा, एक क्लिप यहाँ पर लगेगा, लेकिन सबका साइज़ कितना होगा, 38 mm। इस क्लिप का साइज़ कितना होगा, 38 mm। अगर यही हॉरिजेंटल रहा तब भी क्लिप का साइज़ 38 mm रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा बैटन का साइज हो गया, तो यहाँ पे भी अगर इसके ऊपर दो वायर बिछाना है तो बैटन का साइज़ हमारा सेम रहेगा, मतलब क्या, विड्थ जो होगा ये 13 mm रहेगा, और जो थिकनेस होगा, थिकनेस विजिबल नहीं है, थिकनेस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 13 mm का। इस पर भी आप कितना, दो वायर लाए करेंगे, लेकिन इस वायर, इसके ऊपर जो है क्लिप कितना इस्तेमाल करेंगे, क्लिप तो
एक क्लिप यूज करेंगे 38 mm का, लेकिन स्पेस इंटरवल मतलब 10 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, क्लिप का यूज करना है हर 10 में। अब जितना लंबा रहेगा उतना से हम उस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 19 mm × 13 mm। देखिए अगर नंबर ऑफ वायर 3 है तो हम लोग क्या करते हैं, विड्थ जो होगा आपका बैटन का विड्थ 19 mm हो जाएगा, और फिर थिकनेस कितना का रहेगा 13 mm का, और साइज क्लिप का साइज 1 × 50 mm, 1 × 50 mm। आगे बढ़ते हैं 25 mm × 35 mm, चार वायर अगर यूज़ किया हुआ है तो आप देखिए यहाँ 1 mm 38 mm का करते, 1 × 38 13 mm × 13 mm का था, यहाँ पे हम क्या करेंगे चार वायर के लिए बैटन का साइज तो अलग होगा जो कि कितना हो जाएगा 25 mm × 13 mm, 25 mm × 13 mm, थिकनेस सबका सेम है 13 mm, नो चेंजेस, बस चेंज क्या कर रहा है विड्थ सबका चेंज कर रहा है, चौड़ाई चेंज कर रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ क्लिप का साइज देखिए क्या हो गया, 38 mm का ही लंबा, मतलब 38 mm का लंबाई रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे दो क्लिप यूज़ कर लिए। कहने का ये मतलब हुआ कि देखिए अगर आपके पास चार वायर है तो हम क्या किए, ये दो वायर, ये दो वायर, कुछ इस प्रकार से समझिए, हो गया। अब यहाँ पे भी हम यूज़ कर दिए क्या क्लिप, तो एक ये क्लिप तो आप यूज़ किए और एक क्या हुआ ये क्लिप यूज हुआ, तो दो क्लिप यूज हुआ, लेकिन एक का लेंथ कितना 38, तो इसका भी लेंथ कितना होगा 38। तो वही कहने का मतलब हुआ कि 38 mm क्लिप का मतलब 38 mm का ही क्लिप लेंगे, लेकिन दो क्लिप लेंगे हम लोग, एक इसके लिए और एक इसके लिए, दो दो वायर टाइट हो जाएगा, चार वायर क्या होगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देखिए पांच वायर अगर रहेगा तो पांच को आप क्या करो 3 और 2 में डिवाइड कर लो, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि जो बैटन का साइज होगा वो कितना होगा 38 mm × 13 mm, 31 मतलब 31 mm × 13 mm, ठीक है 31 mm हम लोग चौड़ाई लेंगे और 13 mm हम लोग उसका मोटाई लेंगे, लेकिन क्लिप का साइज क्या हो जाएगा, ये ऐसा कह सकते हो कि या 3 वायर और 2 वायर, मतलब ऐसा कह लें हम कि इसी में एक वायर ऐसा करके दे दिए, ठीक है अर्थ वायर यहाँ भी काउंट नहीं करेंगे, समझिएगा ठीक है, अर्थ वायर यहाँ भी काउंट नहीं करेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम मैंने आपको बोला था कि सिंगल लाइन डायग्राम में अर्थिंग को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 2 वायर और इसमें क्या हो गया 3 वायर, लेकिन क्लिप का साइज क्या रहा होगा, ये जो है 38 mm का क्लिप रहा होगा, तो ये वाला हमारा कितना रहेगा 50 mm का क्लिप रहेगा, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट देखिए आपका 37 mm × 13 mm, 3 × 38 और 6, अगर 6 वायर है तो आप सीधा सीधा दो पोर्शन में इसको कर सकते हैं, या तो आप दो 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 के सेट में ले लीजिए, मतलब 2, 2 और 2, 6, या फिर 3 और 3 के सेट में ले लीजिए, तो बैटन का साइज तो 37 mm × 13 mm होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो 3 × 38 mm, मतलब दो दो वायर को हम एक साथ रख रहे होंगे, और अगर मान लो कि एक यहाँ 2 × 50 mm भी हम ले सकते थे, तो इसका मतलब क्या 3 3 वायर को एक साथ रख रहे थे, तो यहाँ पे आप 3 × 38 mm भी कर सकते हो या 2 × 50 mm भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 44 mm × 38 mm, 2 × 38 mm और 1 × 50 mm, 7 वायर, मतलब सीधा सीधा ऐसा कहने का मतलब है 7 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो 2, 2 और 3 करके, ठीक है 2 वायर एक साथ, फिर 2 वायर एक साथ, फिर 3 वायर एक साथ, तो 2 और 2, 4 वायर हो जाएगा, ठीक है तो ये 2 वायर के लिए हम लोग 1 × 38, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 × 38, मतलब दो क्लिप लेंगे 38 mm का, 2 क्लिप और फिर 50 mm का 1 क्लिप, टोटल 7 वायर कवर करेगा। आगे 50 mm × 13 mm है, देखिए 8 वायर के लिए बैटन का साइज कितना होगा 50 mm × 13 mm, 8 वायर के लिए कितना होगा बैटन का साइज 50 mm × 13 mm। अब देखिए यहाँ पे ये समझिएगा कि इसको कैसे डिवाइड, यहाँ पे देखिए दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो 3 3 6 और 2 8 ये कर सकते हो, मतलब 2 × 50 कर लो और 1 × 38 कर लो, 2 × 50 या 1 × 38 ये कर लीजिए, या फिर एक और काम कर सकते हो आप, इसी को आप क्या करो 2 2 करके अंतराल में ले लो 8 बार में, मतलब इसी को आप 4 क्लिप यूज़ कर लो, ये भी हो जाएगा 4 × 38 mm, ये भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्लिप यूज़ करने का क्या ज़रूरत है अगर अपने पास रेंज में अवेलेबल है, समझे बात को। नेक्स्ट आता है 50 mm × 13 mm, 8 वायर के लिए हो गया। अब एक याद कर लीजिए इसको 56 mm, आपको यहाँ तक याद रखिएगा, 8 वायर तक आपको पूछा जाएगा, तो मतलब सॉल्यूशन करेंगे हम तब वहाँ पर होगा 56 mm × 13 mm, ठीक है इसमें 9 वायर के लिए यूज़ किया जाता है और ये 50 mm × 3 mm के लिए, समझे। तो ये अलग अलग चीज़ था, देखो कभी आप देखे होंगे गांव में जो वाट यूज़ करते थे, मतलब बटखरा जिसको बोलते हो तौलने के लिए, किसी भी कोई भी सामान था उसको तौलने के लिए अगर हम लोग यूज़ करते थे, अगर हमारे पास नहीं रहता था तो क्या करते थे 2 किलो 2 किलो अगर कुछ अधिक तौलना है तो ऐसा करके ही तो डिवाइड करते थे ना, तो यहाँ भी क्लिप उसी प्रकार से करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 2 किलो का बटखरा अवेलेबल है, 3 किलो का अवेलेबल है,
ठीक है, और इसको हमको वेट करना, हमको 6 किलो चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, 2 बार 3 को हम कर लिए, ऐसा ही है ना। अगर मान लो कि आपके पास 8 किलो, 8 3 किलो का अवेलेबल है, 2 किलो का अवेलेबल है, 8 केजी चाहिए, तब कैसे मेजर करोगे, तो 3 3 किलो का एक बार आप कर लोगे, फिर आप 2 किलो का एक बार कर लोगे, 6 + 2 = 8, 5 मेजर करना है, तब क्या करोगे, तो 3 केजी का एक बार और फिर 2 केजी का एक बार, ऐसे कर सकते हो कि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लिप में ये डिवाइड किया गया है, समझे बात को। चलिए तो ये था, आपको ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो उस टाइम बताऊंगा इसका क्या ज़रूरत है आपको, समझे। एस्टिमेटिंग जब करेंगे मटेरियल का हम लोग, तो उस टाइम में आपको ये मतलब समझ में आएगा कि वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना तक रखेंगे, होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो आपका वेटन वायरिंग होता है वो किस प्रकार का वायरिंग है, किस प्रकार से यह किया जाता है ना, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, याद कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा एटलीस्ट, तो खुद से लिख भी लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको कि एक्सप्लेन या क्लासीफाई द टाइप ऑफ वायरिंग, समझे बात को। तो यही हमारा है क्या, टाइप ऑफ वायरिंग। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले आपको एक संदेश आपके लिए कि एक पैर आप ज़रूर लगाइए, है ना, एक पैर आप ज़रूर लगाइए, अपने दोस्तों लोग को भी बताइए, उनको भी बोलिए कि वह भी एक पैर लगाएंगे, क्लियर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।